Okay, so the format is I'm gonna be sharing the screen and Zenith will be narrating their photographs and explaining about it. Okay, Zenith को कहा था कि वो स्क्रीन शेयर कर लें, बट शी सेड कि मैं मॉडरेट करूँ इसको. तो ये एक तरह की प्रेजेंटेशन है और आपको अपने काम के बारे में बताना, बोलना, एक्सप्लेन करना, ये सीखना इसका ऑब्जेक्टिव है, प्लस कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए. और किसी की कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, वो सब सुनेंगे और उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके Zenith, over to you. यस आप सर, हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कर सकती हैं कि आपने ये इंस्ट्रक्ट कब बनाया था, किस ईयर में, और कौन-कौन सी फोटोज आप पसंद करती हैं अपलोड करना, इस तरह के आप आंसर दे सकती हैं. सर, मैंने तो इसे ये स्टार्टिंग जब ये मंथ हुआ था स्टार्ट, तो तब बनाई थी इंस्टा. थर्ड वीक चल रहा है बनाए हुए, तो इसमें मुझे ज्यादा मुझे होता है कि जो सबसे अच्छी मतलब कि फोटोज हो, जिसके बिहाइंड मतलब कि कोई स्टोरी हो अच्छी सी, वैसी फोटोज में जो है वो ज्यादा अपलोड करना चाहती हूँ. मेरी ट्राई यही होती है कि वो बिहाइंड स्टोरी मतलब कि अच्छी सी हो, इस तरह कि अट्रैक्टिव भी हो, थोड़ा लगे कि इसमें है कुछ, उस तरह की मैं ट्राई करती हूँ कि अपलोड करूँ. और यहाँ पे ये दो एमोजीज हैं, एक ऑटम के लीव्स और एक फ्लावर. इन दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर प्लीज आप इससे जरा जूम कीजिएगा, 1 मिनट सर. यस सर, ये अबाउट नेचर जो है ना वो शो कर रहे हैं कि मैं नेचर के अबाउट जो है ना फोटोग्राफी करती हूँ. लेकिन ये जो फ्लावर है ये मुरझाया हुआ है. यस सर, मतलब कि कुछ इस तरह की भी होती है ना कि मुरझाए हुए फूल भी. सर जरूरी तो नहीं कि अब सब जो है वो अच्छी मतलब कि नेचर के अबाउट होता है, कुछ मुरझाए हुए बिल्कुल फूल होते हैं वो स्टोरी को कुछ और प्रेजेंट कर रहे होते हैं. बिल्कुल. जी, गार्डन में हम जाते हैं तो वहां पे मतलब कि हर तरह के, जरूरी नहीं कि अच्छे फूल ही हम जो है वो प्रेजेंट करें. तो सर अगर हम सारी स्टोरी को लेके चलें तो उसमें हमें कुछ, जहाँ पे हमें खुशियां मिलती हैं वहां पे हमें गम भी तो थोड़े से मिलते हैं ना, इसलिए फिर जहाँ पे फूल इस तरह के बनाए जाते हैं या बताए जाते हैं, जहाँ पे मैंने फ्लावर्स की फोटोग्राफी की हुई है वहां पे मैंने दूसरी भी की हुई है साथ. ओके, बिल्कुल ठीक है. केमिस्ट यस सर. मींस सर BS केमिस्ट्री में कर रही हूँ. एडिटिंग इज अ गेम चेंजर, प्लीज एक्सप्लेन दिस. यस सर, जैसे कि सर आपने वो आइकॉन लगाया हुआ कहाँ है, पे? ये एंड ऑफ लाइफ वाला सर. ये यस सर. सर ये मैंने तो टेबल पे रख के जो सारे पत्ते, ये जो लीव्स हैं सारे मैंने ये टेबल पे रख के, तो फिर इनको इनका जो है ना मैंने क्लिक लिया था, तो बाद में जो मैंने रिप्लेस किया पिक्सआर्ट से, तो सर ये सारा का सारा ही चेंज हो गया. तो इसका मतलब कि एडिटिंग जो है वो गेम चेंजर है ना. फिर स्टोरी इसके अबाउट बन गई ना, ऐसे तो मैं क्लिक वो ऐसे ही स्टोरी पे डाल देती तो उसका तो कोई मतलब नहीं था होना और कितने ना इतना परसेंट अट्रैक्टिव होना था. जो है वो एडिटिंग का रोल होता है, कितने परसेंट कैमरे का और कितना परसेंट इंसान का? सर मेरा ख्याल है कि अगर आपका जो है वो 60% जो है वो क्लिक अच्छा आए ना, तो फिर जो है ना वो एडिटिंग भी ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छी होगी आपकी एडिटिंग. क्लिक का ज्यादा रोल होता है, अगर क्लिक अच्छा हो तो फिर एडिटिंग की भी अच्छी होती है. ओके,
पहले हम हाइलाइट्स को देख लेते हैं। आपकी ये जो हाइलाइट्स हैं ये वैसे उन्हीं के बीच में से हैं, जो आपकी फोटोज हैं उनकी बीच में से यस हैं, सर, क्या वो? ये जो हाइलाइट्स हैं यस ये सर, इन्हीं के बीच में से, फिर हम पोस्ट को ही देखते हैं। ठीक है, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन। यस सर। इसका मतलब सर निकालिएगा वहां से, स्टोरी निकालें। ये कहाँ पे होगी इसकी स्टोरी? अच्छा, पोस्ट पोस्ट निकालें ना इंस्टा से। हाँ ये पोस्ट निकाली मैंने। एक मिनट सर, मैं निकालती हूँ। अच्छा, ये दो फोटोज हैं ठीक। सर जी जहाँ तक इस कोड की समझ आई है, तो इस कोड का मतलब यही समझ में, वो तो कहीं पे भी चीज होती, मगर अगर सर्दियों का मौसम हमारे पाकिस्तान में मतलब जिस तरह का होता है, या जैसे हम फील करते हैं, या जिस तरह की चीजों को हम देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भी मतलब जहाँ पे सर्दियां होती हैं, अगर हम मरी चले जाएं तो जैसे बर्फबारी या स्नोफॉल वहां पे होती है, वही वैसे ही स्नोफॉल अदर कंट्रीज में भी होती है, वो भी वैसा ही फील करते हैं, नेचर वहां भी वैसी होती है। तो जो नेचर होती है वो पूरे जो है वो वर्ल्ड को एक किन यानी वो रिलेट करते हैं, एक दूसरे से चीजें एक जैसी हैं। मुझे तो यही समझ आई है इस कोड की। और किसी को क्या समझ आई है? तो इसका यही पर्सपेक्टिव है कि कोई भी नेचर जैसे लैंडस्केप वगैरह वो हर जगह की डिफरेंट हो सकती है, पर जो नेचर है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम होती है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस अगर किसी जगह की हो। अदरवाइज जो नेचर की होती है वो फिर यही है, अगर जैसे कोई फ्लावर है, कोई ट्री है, गार्डन है, कुछ भी है, तो हर बंदा उसे रिलेट कर सकता है अपना एक्सपीरियंस या अपनी लोकेलिटी में। वो यानी किन का मतलब यही है कि उसमें अटैचमेंट या इमोशंस बंदा उसके अटैच कर सकता अपने। कोई शेक्सपियर की कोई ट्रोइलस कोई करके कोई इसकी प्ले था, उसके अंदर ये कोट यूज हुआ है, वन टच ऑफ विच मेक्स अस ऑल ब्रदर्स। ये कोट अगर हम गूगल पे लिखें तो शेक्सपियर की बात आती है। जीनत कहाँ गई है?
सर कोई रिकॉर्डिंग शुरू कर ले जी, रिकॉर्डिंग तो चल रही है जीनत, आप कंटिन्यू करें। यस सर, यस सर। आप कुछ ढूंढने चली गई थी, कुछ बताना था आपको शायद। ये सब वो सही तरह से नजर नहीं था आ रहा, तो फिर खुद शेयर करने लगी थी। सर पूछे आप। हमने बस इसका मीनिंग पूछना था कि इस कोट के साथ आपको फोटो के साथ रिलेशन कोट के साथ कुछ बताएं, ये बल्कि ये कब बनाई थी आपने, ये आपके घर के पास है जगह या दूर है? नहीं सर, कुछ तो यूनिवर्सिटीज में या कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए एक दो दफा गई थी, तो तब की पिक्स लिए हुए थे। और इस कोटेशन से आप क्या मीनिंग ड्राइव करती हैं? सर एक मिनट, वो शो कर लीजिए। शेयर हो रही है स्क्रीन, सबको नजर आ रहा है? नो सर, मुझे नहीं आ रहा। सर नजर आ रहा है? सर जी सर आ रहा है। मैं दोबारा करता हूँ, अगर नहीं आवाज क्लियर आती या स्क्रीन नजर नहीं आती तो प्लीज मुझे फौरन बता दें। अभी ये जीनत दोबारा होगी शेयर। यस सर, आप ठीक है बताएं। यस सर, ये हमारी साइड पे गांव है, मतलब के वहां से भी लेना है सारे ये वाला। ये कोटेशन का मीनिंग बताएं, आपके ख्याल में क्या है? सर इसका मतलब है कि अगर हम एक टच तो है नेचर का, एक क्लिक लें तो जो होल वर्ल्ड जो है ना वो इसके रिलेट में आ जाती है। जैसे ये हमारे पास ये स्काई है या पौधे वगैरह है या नीचे, मतलब कि हम ग्राउंड को ले लें, ये सारे जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। अच्छा मतलब कि होल वर्ल्ड जैसे सर एक साइकिल चल रहा होता है, हर एक का एक दूसरे पे जो है वो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, वैसे ही है ये भी। उस टच को अगर आप क्लिक की रिजेम्बलेंस में देखें कैप्चर करने की तो भी बिल्कुल बात कन्वे हो जाती है। ठीक है ओके। ये इमेज? यस सर, ये हमारे घर की है। मतलब आपने इसकी स्टोरी बतानी है इस तरह कि मैंने इस दिन ली, मैंने क्या सोचा, मैंने किस कैमरे से ली, मुझे क्यों अच्छी लगी, इस तरह। यस सर, ये सर मोबाइल से, वैसे तो मैं लेती हूँ, कैमरा नहीं है मेरे पास, मोबाइल से लेती हूँ। और सर बारिश के सर इस पे बर्ड्स लाइक मुझे लग रहे थे तो इसलिए तो मैंने इसका क्लिक लिया, तो मुझे स्टोरी में डालते हुए मुझे यही लगा कि शाइन लाइक बर्ड्स कर रहे हैं जैसे रेन ड्रॉप्स हैं। अब जब मैं नेक्स्ट पिक्चर करूंगा तो उसके साथ ये जो आप पूरा फ्रेम देख रहे हो ना, ये जो कंप्लीट है, सो अ सिंगल जेंटल रेन मेक्स द ग्रास मेनी शेड्स ग्रीनर, ये कंप्लीट आपका इमेज है। ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, इट इज पार्ट ऑफ योर फोटोग्राफ, सो आपने इसको भी रीड करना है। ठीक है? यस सर। सर वो नहीं सारा आ रहा, बस इमेज आ रहा है उसका। इमेज आ रहा है? जैसे नेक्स्ट आ रहा था। अब आ रहा है। ओके, मैंने वो ज़ूम किया हुआ था। ये जी बोले। सर शो नहीं हो रही फिर स्क्रीन। किसको शो हो रही है, वो डिस्क्राइब करे इस इमेज को। सर मुझे हो रही है। जी डिस्क्राइब करें। सर ये जो है वो पैकेट कोकोमो का है और इसके कोकोमो में से किसी में से भी चॉकलेट नहीं निकली, और इनकी स्टेटमेंट का भी मतलब यही है कि मतलब इस
बाकी सारे दुख दर्द एक जगह, और कोकोमो के पैकेट में जो बिस्किट्स होते हैं उनके अंदर चॉकलेट ना निकलने वाला दुख एक जगह। अच्छा, चॉकलेट ना निकलने का दुख एक जगह। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस पेन की बात हो रही है। फीलिंग सैड सर। सर कोकोमो में चॉकलेट होती है ना, थोड़ी सी होती है बस, वो भी नहीं निकली तो फिर क्या खाने का फायदा। और पैकेट के ऊपर देखो कितनी ओवरफ्लो कर रहे हैं। यस सर, वही ना। ठीक है सर, चलिए स्कैम है वहां के सर। बिल्कुल। और ये सर स्क्रीन शो कर दें प्लीज। स्क्रीन शो हो रही है, कोई आपकी डिवाइस में कोई इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करें। स्क्रीन ऑलरेडी सबको शो हो रही है। इस तरह हम फिर कैसे जाएंगे एंड तक, जिन्हें तक अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही। जिन्हें तक आपकी डिवाइस में ना कोई इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व आउट करें। आप रिस्टार्ट कर लो, आप दोबारा ज्वाइन कर लो वापस। जी सर, सर ये बेस्ट है। हाँ, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, आप ज्वाइन कर लें दोबारा, हम वेट करते हैं। मुझे ये पूछना है कि ये हाथ अगर जीनत का है तो फिर ये जो दूसरा बंदा है ये कौन है, और ये किस जगह पे है, और ये नीचे जो फर्श पे कुछ पड़ा हुआ है, ये नेकलेस टाइप चीज है, लेकिन नेकलेस किस चीज का बना हुआ है? नट बोल्ट्स लगते हैं, नहीं तो फिर कोई भी मेटल। सर ये लकड़ी का नेकलेस लग रहा है सर मुझे, मेटल लग रहा है। हमने बताने के उन्होंने सर ये नेकलेस नहीं है मेरे ख्याल से सर, ये जो एक वो प्रिंटिंग करते होते हैं एक लकड़ी का होता है, जैसे ये हाथ के ऊपर इम्प्रिंटिंग हुई हुई है इसकी, तो कलर के साथ वो प्रिंट करते होते हैं, इस तरह का कुछ होता होता है ये, मुझे तो वो लग रहा है। केमिकल होते हैं जिनके कलर केमिकल होते हैं, तो वो जैसे मेहंदी होती है इसी तरह ये मेहंदी का प्रिंट लगा देते हैं, लेकिन वो मेहंदी तो नहीं होती लेकिन केमिकल्स होते हैं, और ये कुछ टाइम के लिए हाथ पर जो है वो प्रिंट रहता है और फिर ये धुल जाता है। सर वो ठप्पा सा लगाते हैं सर, जिसे कहते हैं बचपन की पलक। अब तो बहुत कम जो है वो सर, ये ना सर ये बहुत पुराना है, मतलब के छोटे होते थे ना तब की ये बात है कि तब लगवाया करते थे, तो ये मैंने न्यू पहली दफा इधर हमारे मोहल्ले में आया, तो गली में आया हुआ था, तो मैंने फिर बच्चे लगवा रहे थे तो मैंने फिर कुछ फोटोज जो है ना वो क्लिक किए थे। सर जो होते हैं बुलबुले वाले सर, सर वो भी लगाते हैं इस तरह के, कुछ ना पंगे शंगे लेते हैं वो बेसिकली ना। तलहा आप ये कैप्शन पढ़े जरा। सर कैप्शन है कि जो है बस यही है इस लम्हे इसी पल, जो जी लो इन्हें ये जिंदगी के हैं कुछ पल, दोबारा आएंगे ना कल। वेल सेड, दिस सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट। डू योर ओपिनियंस एंड थीम दिस फोटो गाइस क्लिक बाय सीन। यही समझ में आ रहा है कि जो बचपन के दिन होते हैं ये जो मतलब बेफिक्री के दिन होते हैं उन्हें जितना हो सके जी लेना चाहिए, जब इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो फिर इस तरह की खुशियां दोबारा मिलना और इसको एंजॉय करना नहीं होता या yes, sir, तो जैसे एंजॉय नहीं की जा सकती। तो वही बात होगी जैसे वो थी एक पोइम या गजल, वो क्या थी वो बारिश की, वो कागज की कलश थी वो बारिश का पानी वाली। जी बिल्कुल वर्दा सही कह रही हैं। ये जो अपने ऊपर राइटिंग की है जो है बस यही है, ये अपने खुद हाथ से लिखा है? नहीं सर, ये ऐप से किया हुआ है। ये ऐप से आपने खुद लिखा है ना ऐसे करके स्क्रीन के ऊपर? नहीं सर, सर ऐप से है, ये ऐप का जो है ना फॉन्ट स्टाइल है। कौन सी ऐप है? मोस्टली उर्दू टाइपिंग भी होती है, इंग्लिश की भी अच्छी है, उसके फॉन्ट स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप ट्राई करना इमेजिटर, वो भी है मेरे पास।
उसमें हम वो अपने जो है वो भी लोगो भी बना सकते हैं या कोई इस तरह का और कुछ करना हो मर्शलाइज करने के लिए इस तरह के वो भी कर सकते हैं। मुझे तो बस ये था कि ये जो जो का जो नीचे नुक्ता है जो का वो जुड़ा हुआ है फिर है का फिर वो नहीं है वो जो है कि एक चीज होती है और फिर बस कभी बे का नुक्ता जुड़ा हुआ है और फिर आगे है का भी वो नहीं है नीचे है ना सही। किसी किसी फॉन्ट में ऐसे हो जाता है कि वो जो yes, तुम लिखते हैं तो ऊपर ते जो होता है ते के जो होते हैं नुक्ते सर वो नहीं आते होते किसी किसी फॉन्ट में सर ऐसे हो जाता है। अच्छा यानी इन्होंने फिर टाइप करके ये लिखा है इन्होंने ऐसे नहीं लिखा हाथ से। जी सर ये टाइप no, टाइप है टाइप किया हुआ। अच्छा टाइप किया हुआ लगता है जैसे हाथ से लिखा है ना। यस सर इस एक नेक्स्ट वाला का वो सही आता है कुछ में ऐसे आ जाता है किसी में जो है वो सही लिखा हो जाता है टाइप सही हो जाता है किसी में नहीं होता। अच्छा ये जो आपको इसी लम्हे इसी पल ये जो इसकी कलर ग्रेडिंग मुझे अच्छी लगी है ये जो इस वाले की है ये और ये सेम है क्या। नो सर। हाँ ये फिर तीसरी फिर डिफरेंट हो गई। यस सर जी लो इन्हें मतलब कि सर उसकी ग्रेडिंग मैंने इसलिए चेंज की है कि अब वो ब्राइट कलर्स आ गए हैं हाथों के जैसे हैंड्स के देखें सर कलर्स जो हैं वो ब्राइट हो गए हैं। ठीक है और आप लोग नीचे क्यों बैठे हुए हो। सर वो नीचे बैठी हुई थी ना औरत जो लगा रही थी। अच्छा ठीक है अच्छा ओके ठीक है नेक्स्ट ये है पिक्चर इसको एक्सप्लेन करेंगी कैप्शन से लेके पूरी इमेज तक जो नजर आ रहा है रीडिंग करनी है महानूर ने। जी सर दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां जुदाई सर लंबी जुदाई सर ये एडिटेड की हुई है क्या नाम है मिनियंस को सेपरेटली पीएनजीज का ऐड किया हुआ सर बेसिकली सर लाइफ को एक्सप्लेन किया है जैसे ये खुश्क पत्ते हैं पहले वो होते हैं अपने आबोताब में उसके बाद जब उनकी डेथ वगैरह होती है तो वो गिर जाते हैं वो खुश्क हो जाते हैं लाइफ का कंसेप्ट ही है सर सारा इसमें। और महानूर ये जो लाइफ लिखा है उन्होंने LIFE ये उसके पत्ते के ऊपर नीचे से कैसे गुजर रहा है ये कैसे किया इन्होंने सर लेयरिंग चेंज की है बेसिकली फोटोशॉप में या इसके फोटोशॉप में भी और सर एक और है स्नैपसीड एप्लीकेशन है सर सर उसके साथ भी कर सकते हैं बाद में एक दफा टाइप करने के बाद रिमूवल करके और डबल टाइपिंग के रिमूवल ऐसे उसके ये पिक्सआर्ट से किया हुआ है पिक्सआर्ट। हां जी सर पिक्सआर्ट में ये भी हो सकता है ओके पिक्सआर्ट से किया हुआ है ये ठीक है ये एक्सप्लेन करेंगे तलहा वो कभी सर आवाज आ रही है जी आ रही है सर इसमें लिखो कैप्शन दिए कि वो कभी मिले वो कहीं मिले वो कभी सही वो कहीं सही सर ये कुछ और ही फीलिंग आ रही है बिछड़े हुए लोगों की के मतलब के जो है वो बस सर ना आए पूछ के बेटर है सर मतलब के सर वही ना लास्ट जो है ये इसका ये शेर है सर ये गजल है जी सर सर मतलब के वो कोई इस तरह का रूठा हुआ बंदा दुखी आत्मा सा वो कह रहा है कि बस सर ये मैंने किधर पढ़ी थी एक बार किसी ना शायर की किताब में पढ़ी थी ऑनलाइन सर वो यही होता है कि सर बिछड़ा आदमी होता है वो उसे जब से कहते हैं मुश्किल होता है कि आसरा कि जी बस मिल जाएगा उसको तो वो बस इसी आसरे में लगे रहता है सारी उम्र। यस सर ये बहुत अच्छा है इमेज प्लस कलर्स हमने थैंक यू सर पिछली असाइनमेंट में वो जो प्रेजेंटेशन में हमने फोर फोटोग्राफर्स को देखा था एक जो थे ना इस
टाइप के वो जो कलर ग्रेडिंग करते थे, अगर वो किसी को याद आ रहा हो। इस पावर पॉइंट के अंदर हमने जो एक फोटोग्राफर देखे थे जिनका नाम पावलो रेली था, ये वाले। पावलो हाँ, इससे इनकी ये फोटोग्राफ मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। रेली। यस सर, सर ऑलमोस्ट सेम कंट्रास्ट नजर आ रहा है। जी, और वही ऑलमोस्ट वो फीलिंग भी आ रही है, पिंक कलर यस सर, क्लाउड्स। ठीक है। यस सर। अच्छा, और ये सारे इमेजेस, ये उंगलियां हैं और उसके ऊपर फूल पकड़ा हुआ है। यस और ये पता, बादल कितने ज्यादा आए हुए हैं ना। सर, ये बरसात के दिन चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट है जी। अहमद हमारे साथ है। अहमद, आप यस बताएंगे, ये रीड करेंगे। जिंदगी इस तरह जीने का इरादा ना था। जिंदगी इसे जीने का इरादा तो ना था, ये भी किसी गजल या हाँ कहीं से। सर, पिक में कैप्शन की ओर है, वैसे सर वो पोस्ट पे कैप्शन की ओर है। इरादा ना था, इरादा तो ना था। सर देखिए ध्यान से, लास्ट लाइन जो है, इरादा ना था, इरादा तो ना था। ठीक है। और ये जो इमेज है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पत्ता है ये पीपल का लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और का हो, आम का भी हो सर सकता ये ना, नहीं सर आम का नहीं, पता नहीं यूनिवर्सिटी में था सर, ऐसे ही गिरे हुए। है। बारिश हो रही थी। जी सर। अच्छा, ये पिक बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि जो बारिश होती है ना, वो मोस्टली मतलब साइन होती है जॉय का, कि बारिश को मोस्टली लोग जो है वो एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लोग जो मतलब थोड़े से जिनको किसी बात का दुख होता है, ये जो सैड होते हैं, जैसे पत्ता है, बाकी चीजें मतलब बाकी जो हरे भरे पत्ते होते हैं वो थोड़ी ना सैड होते हैं, इस तरह का मतलब ड्राई लीफ जो है तो उसके ऊपर बारिश है, लेकिन वो उस बारिश को उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकता, या उसका इतने अच्छे से बारिश के ड्रॉप्स को उनका फायदा नहीं ले सकता, जिस तरह वो दरख्त पे लगे हुए ताजा पत्ते ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप सबको कौन सी वाली बेटर लग रही है, कलर ग्रेडिंग, ये या फिर ये वाली, ये सर यही फर्स्ट सर, जो सेकंड। फर्स्ट वन जिस सर जिसपे कैप्शन दी है सर, ओके, सर वो ये लग रही ठीक बेटर मुझे, ये वाली सर। है। अच्छा, नेक्स्ट। हुमा हमारे साथ है। हुमा आप रीड करेंगी। यस सर। जी, सर फोटो पे कैप्शन है, अल्लाह की बेशमार नेमतों की बेशमार शुक्र गुजारी के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। और साइड पे ऐसा कैप्शन नहीं है, बस कमेंट्स योर थॉट्स और हैशटैग्स हैं। और इमेज कैसे ली हुई है। से कैसे ली हुई है? ऐसा ये फिंगर्स हैं जिनको जिनकी मदद से सूरज को होल्ड करने करते हुए मतलब इस तरह की पिक बनाने की कोशिश की गई है। तो बाद में शायद स्नैपसीड से उसे वो एम्प्लीफाई किया। जैसा ओके, मैं आप लोगों को भी दोबारा एक लिंक सेंड करने लगा इस क्लास का। ये क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। ओके सर, ऑन करके अभी फौरन आ जाएं।